तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 40 डेज रिवीजन सीरीज हमारा चल रहा है और इसमें हमारे बहुत छोटा सा प्यारा सा परिवार 120 लोगों का परिवार बन चुका है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेली टारगेट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। देखिए आज डे 9 का टारगेट यहाँ पे पिन कर दिया गया। आप सब जैसे ही ग्रुप में ऐड होंगे आपको एक पिन मैसेज दिख जाएगा, हर रोज का टारगेट यहाँ पे पिन कर दिया जाता है। तो आप इसको क्लिक करके आप टारगेट देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आज का करंट अफेयर्स का बिल्कुल वन मंथ का जून महीने का पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। जी हाँ, क्विज के माध्यम से टोटल 1 तारीख से लेकर 30 जून तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड कर दिया गया। आप लोग चाहते हैं इसमें जुड़ सकते हैं। द फी इज जस्ट 200 रुपीज, इसमें हर कोई अफोर्ड कर सकता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए डेली का टारगेट दिया जाता है जिसको आपको 24 आवर्स में कंप्लीट करना है। पिक्चर्स के माध्यम से मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, पिक्चर्स के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स के अलग अलग स्लाइड्स भी दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्लाइड्स दिए जाते हैं जिसको आपको डेफिनेटली करना ही करना है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ हर रोज यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स, साइंस और साथ ही साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी के क्विजेज होते हैं। टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 30-30 क्वेश्चन या मोर देन दैट इसे क्वेश्चन से क्विज होते हैं हर रोज। अगर आप इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं 40 डेज रिवीजन सीरीज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट देन जय हिंद, वेलकम टू मिशन कॉम्पिटिशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज ये न्यूज़ एक काफ़ी ज़्यादा ही सुर्खियों में रहा है, बीपीएससी पेपर लीक को लेके ये न्यूज़ है। और इसी न्यूज़ के माध्यम से जो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है इसकी फाइनल डेट क्या होगी इसके बारे में बात होगी और इसी न्यूज़ से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए एक्चुअली बीपीएससी पेपर लीक में 12 जो अधिकारी हैं इनका कनेक्शन मिला है। अब सोचिए बहुत ज़्यादा मामला गंभीर है, बीपीएससी कार्यालय में बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। अब इसमें ईओयू भी शामिल हो गया, यानी आर्थिक अपराध जो यूनिट है वो भी अब इसमें शामिल हो गया। अब वो इसकी जांच कर रही है, एडीएम से लेकर बिहार पुलिस तक और डीएसपी तक के संलिप्तता की इसमें बात आ रही है। बहुत ही ज़्यादा बीपीएससी के अंदर हालात ख़राब है। इस स्थिति में एग्ज़ाम कैसे होगा ये भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, ड्रास्टिकली बात यहाँ पर क्या हो रही है, आपराधिक इकाई जो है ईओयू यानी जो अपराध आर्थिक अपराध इकाई जो है इसके रडार में अलग अलग जगहों पे जो पोस्टेड 12 ऐसे अधिकारी हैं जो इनके मतलब जो है रडार में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात है बीपीएससी ऑफिस के बाहर जो है कुछ शॉप्स हैं, जो किताबों की शॉप्स हैं उनके साथ ही पूछताछ हो रही है, वो भी रडार में है। क्यों रडार में है वो मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। इन अधिकारियों की पोस्टिंग बिहार सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में की गई है। और कोई बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत सीनियर एडीएम है तो कोई बिहार पुलिस में डीएसपी है। इवन देखिए एसडीएम लेवल की भी लोगों के ऊपर शक है ईओयू क्यों, ठीक है, क्यों शक है यहाँ पे आगे आपको समझ में आएगा। देखिएगा इन सभी का जो है कनेक्शन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के 67वीं एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर लीक से जोड़ा गया है। बीपीएससी एग्ज़ाम पास कर अधिकारी बने ऐसे दर्जन से अधिक अधिकारी हैं जिनके जो है अब नौकरी भी संदेह में आ चुकी है। रीज़न क्या है, देखिए इन ऐसे जो इतने अधिकारी हैं जिनकी नौकरी अब संदेह में आ चुकी है इनका जो है मेंस के अंदर में देखिए बहुत अच्छा बहुत ही तगड़ा मार्क्स है, लेकिन इंटरव्यू में इनका मार्क्स ड्रास्टिकली बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अब संदेह ये हो रहा है कि देखिए इन्होंने पीटी पास करा, इनका जो कॉपी है मेंस का जो कॉपी है वो ऑफिस से बाहर बुलाया गया और किसी वेटरन से किसी बहुत ही अच्छे आंसर राइटिंग वाले से इनकी कॉपी लिखवाई गई है और फिर वापस से कॉपी कार्यालय में भेजी गई है। अब इसी संदेह की वजह से सामने जितने भी बुक शॉप्स हैं बीपीएससी ऑफिस के बाहर में वो सब भी हैं कि उनके पास ऐसे कोई नोट्स हैं या ऐसे कोई मटेरियल है ऐसा कुछ है जिनसे सारे सारे कॉपी पेस्ट किए गए हैं, प्रॉपर उनसे खंगाला जा रहा है। इवन दो 10 से 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके आंसर्स भी सेम टू सेम मैच कर रहे हैं। यहाँ पे ये बातें हैं। अब हो ये गया है कि अब ईओयू जो है सब कुछ इसकी जो है निगरानी कर रही है। अब इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लोग जो है अब क्या करेंगे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को अब इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। अब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का इसमें क्या काम है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हैंडराइटिंग एनालिसिस करेगी कि भाई जो नौकरी में भी लोग हैं उनके द्वारा ही कॉपी लिखा गया या नहीं लिखा गया है, उनका हैंडराइटिंग है या नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाता है उनका हैंडराइटिंग नहीं है तो उनकी नौकरी भी अब संदेह में आ गई है, इवन दो उनको अब जेल भी जाना पड़ेगा इस कृत्य के लिए। तो बीपीएससी में भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अभी देखिए अगस्त के महीने में अगस्त लास्ट तक बीपीएससी के जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं, नए अध्यक्ष आने वाले हैं। अब देखिए होता ये है कि अगर कोई केस वेस होता है, कोई तबादला होता है तो इसमें डिले हो सकता है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम डिले होने का भरपूर चांसेस है। सीधी बात है, झूठ वाली बात नहीं है, बीपीएससी ऑफिस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। ये तो खैर एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अंग्रेजी में कहावत है, अगर पेपर लीक नहीं होता तो हमें बीपीएससी में इतना काला कांडी चल रहा है
पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी बात है 6,14,000 बच्चों का एग्ज़ाम इनको कंडक्ट करवाना है। बिहार इतना बड़ा ज़िला नहीं है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी स्कूलों को अक्वायर करके 6,14,000 बच्चों का आप एग्ज़ाम ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे एडवाइजरी निकली थी 2-3 दिन पहले कि सिर्फ जो हेडक्वार्टर्स हैं ज़िले के उनके अंदर में एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि अब कोई भी प्राइवेट कॉलेज स्कूल को अक्वायर नहीं किया जाएगा, सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज में ही एग्ज़ाम्स होंगी। तो इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इतना स्कूल कॉलेज भी नहीं है, लोग 6-6.25 लाख बच्चों का एग्ज़ाम ले लें। यूपी पीसीएस, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, उनके पीसीएस एग्ज़ाम में इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो यूपी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ले सकता है। बट बीपीएससी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर वो प्राइवेट स्कूल को अक्वायर नहीं करेंगे तो नहीं ले पाएंगे। खैर, अगर ये लोग चाह लें तो ले सकते हैं, लेकिन अभी वैसा विल पावर बीपीएससी का दिख रहा नहीं है। तो मैं यहीं बोलूँगा, अगस्त में एग्ज़ाम होना एक तरीके से थोड़ी मुश्किल की बात दिख रही है। अगर एग्ज़ाम अगर होना होगा, देखिए एग्ज़ाम जो है इसका एग्ज़ाम जो है सितंबर लास्ट टू अक्टूबर फर्स्ट वीक में लिया जा सकता है, क्योंकि अगर डिले भी होता है तो 1-1.5 महीना से ज़्यादा का डिले नहीं होगा, फॉर श्योर, मार्क माय वर्ड, 1-1.5 महीने से ज़्यादा का डिले नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही अगर होना स्टार्ट हो गया सब कुछ एकदम ही बिल्कुल ही ऑपरेशन मोड में सब कुछ किया जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं यहीं बोलूँगा, आपके सिर पर बिहार SSC है, आपके सिर पे ग्रुप डी भी बहुत बच्चों ने भरा होगा, आपके सिर पे SSC भी है, तो अगर आपने अदर एग्ज़ाम्स के फॉर्म भी भरे हुए हैं आप अगर चाहें तो उस पर फोकस कर सकते हैं, और एल्स आपने 1.5 साल समय दिया है 67वीं के को केवल इसके तैयारी में, तो मैं यहीं बोलूँगा थोड़ा सा और इसमें समय दीजिए और प्रॉपर और भी अच्छा अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि 1-1.5 महीना अगर डिले भी होता है, 1-1.5 महीना डिले होगा, लेकिन डिले होने के चांसेस पूरे हैं। ऑफिस में कुछ भी सही नहीं चल रहा है बीपीएससी का, तो डिले बिल्कुल ही होगा। सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कॉपी बाहर कैसे निकला है। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है इस रिपोर्ट में, इस बात का पता चलने के बाद जांच एजेंसी सवाल उठा रही हैं कि कॉपियाँ बाहर निकली कैसे, कॉपियों पर सवाल के जवाब किन लोगों ने लिखे थे, क्या स्ट्रांग रूम से जुड़ी किसी व्यक्ति की इसमें कोई भूमिका है, संलिप्तता है, इन सवालों का जवाब तलाशे जा रहे हैं। बीपीएससी के कई स्टाफ भी EOU के रडार में आ चुके हैं, इनसे भी पूछताछ हो रही है। पेपर लीक कांड की जाँच होते हुए EOU ने गया के जदयू नेता रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार को गिरफ्तार किया, साथ ही रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ भी की गई है। तब शक्ति ने BSAP के DSP रंजीत कुमार रजक का नाम लिया, जिसके बाद 3 बार की पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो यहाँ पे ये आप साफ साफ सब कुछ यहाँ डिटेल में न्यूज़ और ब्रीफिंग पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए जो आपके लिए छोटा सा अपडेट था यही है कि माइट बी अगस्त लास्ट वीक में एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर होना होगा तो आपको इस फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको सारे नोटिफिकेशन एडवाइजरी आ जाएंगे एग्ज़ाम कब होगा फाइनल डेट के साथ। अगर नहीं आता है तो आपका एग्ज़ाम सितंबर लास्ट टू अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा, ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा। मेरा एडवाइस यही है, पढ़ाई में लगे रहिए और अदर एग्ज़ाम्स की भी साथ में तैयारी करिए, ठीक है। और लेकिन अगर आपने 1.5 साल BPSC को दिया है, BPSC ही आपके लिए धर्म है, कर्म है, सब कुछ BPSC है, तो 1-1.5 महीना और समय दीजिए और इसमें लगे रहिए, डेफिनेटली ही एग्ज़ाम होगा, बहुत जल्द होगा। क्योंकि देखिए ये भी एक अच्छा चीज़ हो रहा है, जितने भी करप्ट अधिकारी हैं उनको चुन चुन के निकाला जा रहा है, ये दीमक के तरह हैं आयोग के अंदर में, इनको निकाला जा रहा है, इनकी सफाई की जा रही है, तो अच्छी चीज़ है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा और पार्शल होगा और बढ़िया होगा, तो ये हम स्टूडेंट्स के लिए, हम टीचर्स के लिए, यानी हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कारगर रहा हो, आपको समझ में आया होगा बात, ये न्यूज़ आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।